लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की किस्त पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हितग्राहियों को राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले कन्या पूजन भी किया। प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की किस्त महिलाओं के खाते में बुधवार को पहुंच गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हितग्राही महिलाओं को राशि जारी की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कन्या पूजन किया। कार्यक्रम में भोपाल की लाडली बहनों के साथ महिला बाल विकास विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 1576 करोड़ रुपए 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए। इसके साथ ही प्रदेश के 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की पेंशन व आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि किसी भी गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी कहते हैं कि काश हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता और डबल इंजन की सरकार होती। सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को पेट में दुखता दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैं तुम उम्मीद में बैठा रहो, हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते। लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि निःशक्त जनों के लिए भी जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करें। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी की बात है। कम से कम मतलब ये राशि बंद नहीं हुई, चालू है हमेशा रहेंगे जी। मामा को मैंने विश्वास दिलाया पूरा है, कराएंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जो भारत सरकार है, मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि इसी तरह ये वादा निभाते रहेंगे। बीच में समझ नहीं मार रही है इनको, हम लोग का जो उत्साह बढ़ा हुआ है वो कम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि और ये उत्साह हमारा बढ़ाते रहे, हमारी महिलाओं की शक्ति से बढ़ती रहे। और हम शिवराज मामा जी से ये कहेंगे कि मामा जी हैं बहुत खाते तो हमारे भैया हैं, हमारी बेटी के मामा जी हैं, उन्होंने जो ये योजना चलाई थी हम लोगों के लिए बहुत मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रही, हमारे बच्चों के लिए बहुत सपोर्ट रहा। और आगे भी वो मतलब ऐसा करके गए, कह कर गए कि नहीं, जो मैंने ये योजना चलाई है वो जारी रहना चाहिए, इसको बंद नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।